हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य फेस्टिवल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ड्रीम इलेवन में पैसे जीत सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी काफ़ी समय से ड्रीम इलेवन खेल रहा हूं और मैंने भी काफ़ी बहुत सारे मैचेस जीते हैं और मैंने भी विन किए हैं। तो मैं आपको अपने प्रोफाइल में दिखाऊँगा कि मैंने मैचेस जीते हैं। पिछले बार के IPL में जो दुबई में हुआ था उसका मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे मैचेस। आप भी विन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि। और हाँ दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यार, मेगा कॉन्टेस्ट मत खेलो। उसमें यार पैसे लगाओगे 49 रुपये और वो वही आएगा जो लगाते हैं। मैंने भी शुरू शुरू में जब खेल रहा था ड्रीम इलेवन, तो उस टाइम मैं भी बस वही मेगा कॉन्टेस्ट में यार 1 करोड़ जीतेंगे, 10 लाख जीतेंगे, लेकिन कुछ नहीं। सिर्फ जो पैसा लगाते हैं वही रिटर्न आता था। कभी कभार तो वो भी नहीं मिल पाता, वो भी हम लोग विन नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप विन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो पिछले बार की IPL जो हुआ था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने विन किया हुआ है। देखिए 400 400 400 500, तो आप ऐसे विन कर सकते हैं, आप भी विन कर सकते हैं बिल्कुल। बस मैं आपको जो स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को आपको फॉलो करना है और वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है। देखिए 500 500 विन किए हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि मैच कौन से स्टेडियम में खेला जा रहा है और कौन से स्टेडियम में खेला जा रहा है और वहाँ की पिच कैसी है उस ग्राउंड की, और वहाँ की बैटिंग उस वक्त क्या है उसको भी देख लेना है। फास्ट स्कोर क्या रहता है आपको उसको भी देख लेना है, और पहले बैटिंग करने वाली टीमें कितना मैच जीतती है उस ग्राउंड पे वो भी देखना है, और डिफेंड करने वाली कितना मैच जीतती है वो भी आपको देखना है। साथ ही साथ आपको जब मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले, टॉस से पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसको आपको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, आपको उसको देखना ही देखना है, ताकि आपको उससे पता चलता है कि मैं कौन सी 11 खिला सकता हूँ, इसमें क्या मेरा बेस्ट ड्रीम टीम रहेगा। तो आपको उसको देखना है, उसके बाद टॉस भी आपको देखना है। टॉस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फास्ट बैटिंग वाले ज़्यादा विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं। अगर स्कोरिंग मैच अगर रहता है तो आप पहले जो है बॉलिंग करने वाला उनका बॉलर कम ही खिलाएं तो बेटर रहेगा, सेकंड मैच जो खेलती है उसका आप बॉलर ज़्यादा लें। तो आज का जो मैच खेला जाएगा वो मैं आपको प्लेइंग 11, आपको ड्रीम टीम आपको बना करके देता हूँ। तो चलिए देखते हैं जो आज का मैच है चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, तो उसमें क्लिक करते हैं। क्रिएट टीम में जा कर के देखेंगे मैं अपना ड्रीम टीम। और हाँ दोस्तों, कैप्टन जो है आपको खुद अपने से आपको चॉइस करना है, मैं आप लोगों को कैप्टन के बारे में नहीं दूंगा सलाह। आप जो भी चाहे उसको आप कैप्टन रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं विकेट कीपर की, तो आप इसमें ऋषभ पंत, MS धोनी। ऋषभ पंत जो है दिल्ली के कैप्टन हैं और धोनी तो है ही, तो आप ऋषभ पंत या धोनी किसी दोनों में से किसी एक को या दोनों को भी आप पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऋषभ पंत को ले लेता हूँ क्योंकि वो कैप्टन है और आगे भी आ सकते हैं। धोनी बहुत पीछे बैटिंग करते हैं, 5-6 नंबर पे आते हैं बैटिंग करने, तो बेस्ट रहेगा आप ऋषभ पंत को लें। सेकंड में आप शिखर धवन को आप ले सकते हैं दिल्ली का। अगर दिल्ली की आपको बात करते हैं फर्स्ट बैट्समैन के बारे में, तो आप उसको ले सकते हैं शिखर धवन को। उसके बाद शिखर धवन के बाद आप ले सकते हैं रहाणे को, हेटमायर को नहीं लेने से ही बेटर रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं तो एक चीज़ आपको बताने के लिए भूल गया कि आज का जो मैच खेला जाएगा वो दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये जो
मैच खेला जाएगा वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आप उसमें रहाने को आप ज़रूर इस मैच में पिक करें, क्योंकि वो रहाने जो है मुंबई से ही खेलते हैं और इनका होम ग्राउंड भी है। उसके साथ 5 डुप्लेसी, यहाँ इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है 2 डुप्लेसिस का, आप 2 डुप्लेसिस को ले सकते हैं। उसके बाद अंबरती रायडू, उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो यार इसमें जो है ना वानखेड़े स्टेडियम में स्पिनर का उतना पेसर ही ज़्यादा विकेट उसमें लेते हैं, तो इसमें आप फिनिशर का जो ये करते हैं रोल अदा करते हैं, उसमें आप मार्क एस्टोनिस को आप लें, उसके बाद रविंद्र जडेजा को आप नहीं ले तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। अच्छे हैं, आप ले भी सकते हैं अपने टीम में, लेकिन मैं अपनी टीम में सिर्फ एस्टोनिस को ही रखूँगा। अगर बॉलर की बात करें तो राबाड़ा और एंड्रे नोकिया ये जो नहीं खेलेंगे इसमें क्योंकि वे क्वारंटाइन में हैं अभी, तो ड्रेन ब्रावो को आप लें, अश्विन को भी ले सकते हैं, उमेश यादव दिल्ली के लिए अगर खेलते हैं तो उनको पिक ज़रूर करें। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, इनको आप मिक्स मत करना दोस्तों, क्योंकि ये विकेट हर मैच में ये आपको विकेट लेकर के देंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। तो मैं पिक कर लेता हूँ शार्दुल ठाकुर। लुंगी एंगिड़ी जो पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था वो अभी खेल के आ रहे हैं, तो वो भी क्वारंटाइन में, शायद इस मैच में ना भी खेलें, तो इनको आप ना पिक करें। अगर खेलते हैं दोस्तों तो आप इसको पिक ज़रूर करें लुंगी एंगिड़ी को, क्योंकि वहाँ मुंबई वानखेड़े के स्टेडियम में आपको पेसर ही ज़्यादा विकेट आपको लेके दे सकते हैं। और उसके बाद फिर से हम लोग ऑलराउंडर में आ गए, तो आप इसमें सैम करन को ले, विकेट कीपर में आप धोनी को भी ले सकते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग बना लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।